हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे थर्ड मेथड की। किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर में जो तीन मेथड हमने आपको बताए थे, एक तो था आपका फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर, दूसरा था वेरिएबल लेंथ स्ट्रक्चर विद फिक्स मैक्सिमम। इन दोनों पे ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। तीसरा है आपका लिंक्ड स्ट्रक्चर। तो लिंक्ड स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। लिंक्ड स्ट्रक्चर मतलब किसी भी स्ट्रिंग को हम लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप कि आपको बाकी पहले के दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, लिंक्ड स्टोरेज में क्या होता है। लिंक्ड स्ट्रक्चर कह लीजिए, या इसको आप लिंक्ड स्टोरेज भी कह सकते हैं। स्टोरेज इज द मोस्ट मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। तो नाउ यू कैन राइट इट एज लिंक्ड स्टोरेज ऑफ ए स्ट्रिंग, ऐसे समझ लीजिए। किसी भी स्ट्रिंग को लिंक्ड स्टोरेज की फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए, कंप्यूटर जो आज के समय में यूज किए जा रहे हैं, तो कंप्यूटर आर बीइंग यूज वेरी फ्रिक्वेंटली टुडे फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, जैसे इनपुटिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुटिंग हो गया प्रिंटेड मैनर में, इसके लिए मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। देयर फोर द कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू करेक्ट एंड मॉडिफाई द प्रिंटेड मैटर, विच यूजली मीन्स डिलीटिंग, चेंजिंग एंड इंसर्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड इवन पैराग्राफ इन द टेक्स्ट। तो आज के समय में क्या है कि कंप्यूटर्स का काफी इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर्स आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में देखिए सारे ऑपरेशन आ गए। इनपुटिंग हो गया, जो भी आप डेटा एंटर कर रहे हैं, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हैं जिस भी फॉर्म में करना है, और फिर उसको आप आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी फॉर्म में, आउटपुटिंग इन ए प्रिंटेड मैनर। ठीक, इसके लिए आजकल कंप्यूटर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जब इसको आप प्रिंटेड मैनर में आउटपुट करते हैं, तो प्रिंटेड मैनर में आउटपुट करने में आपको सारे प्रोसेस, जैसे आपको कुछ डिलीट भी करना पड़ता है, ये सारे ऑपरेशन आपको करने पड़ते हैं। डिलीटिंग हो गया, चेंजिंग हो गया, कुछ चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए वर्ड चेंज करना है, लाइन चेंज करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ भी। फिर और कुछ नए वर्ड आपको इंसर्ट भी करने पड़ते हैं। तो इंसर्टिंग वर्ड्स, फ्रेसेस, सेंटेंसेस, ठीक है, और इवन पैराग्राफ्स, नए पैराग्राफ भी, पैराग्राफ इन द टेक्स्ट, ये सारे ऑपरेशन आपको फ्रिक्वेंटली करने पड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर फिक्स लेंथ, मान लीजिए हम फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो जो फिक्स लेंथ मेमोरी सेल है वो इनको इजीली इन ऑपरेशंस को नहीं होने देते। इसलिए कि मान लीजिए आपने फिक्स लेंथ फिक्स की हुई है 80 कॉलम, 80, और आपको ये डिलीट, चेंज या इंसर्ट कोई भी ऑपरेशन करने के बाद उसकी लेंथ चली गई 80 से ज़्यादा, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर मोस्ट एक्सटेंसिव वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड बाय मीन्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो जो फिक्स स्ट्रक्चर है वो इन सारे ऑपरेशन को करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो स्ट्रिंग्स हैं वो आज के समय में स्टोर किए जा रहे हैं, स्ट्रिंग स्टोर्ड एज ए लिंक लिस्ट। स्ट्रिंग को हम लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है कि इन सच लिंक लिस्ट एंड द वे डाटा आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड देम, ठीक है, इज इजी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है। लिंक लिस्ट का मतलब ये होता है कि ए लीनियरली ऑर्डर सिक्वेंस ऑफ मेमोरी सेल्स कॉल्ड नोड्स, वेयर ईच नोड कंटेन्स एन आइटम कॉल्ड ए लिंक।
विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक है, मतलब लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट किससे मिलके बनी होती है, नोड्स के, नोड्स से। ये देखिए मान लीजिए ये नोड है और किसी भी नोड में दो कंटेंट होंगे, एक तो वहां पे जो भी डाटा है वो होगा और साथ ही साथ उसके पास एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का। फिर यहाँ पे यही चीज होगी, मान लीजिए ये डाटा स्टोर है फिर इसके पास एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का। तो स्ट्रिंग को इस तरह लिंक लिस्ट की फॉर्म में ये आगे एंड सो ऑन, ठीक है, ये ऐसे लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, ताकि वर्ड प्रोसेसिंग वाले जो ऑपरेशन है उनको करना काफी आसान हो जाता है। अब ये जो हमने बनाया हुआ है ये लिंक लिस्ट है और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नोड। ये हो गए आपके नोड। ठीक, अब इसमें जो लिंक लिस्ट होता है उसको, जो नोड होते हैं वो वन करेक्टर पर नोड भी हो सकता है, फोर करेक्टर पर नोड भी हो सकता है, टू करेक्टर पर नोड भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। तो अब मान लीजिए हम वन करेक्टर पर नोड का मतलब ये हुआ, जैसे से सपोज कीजिए ये कोई लिंक लिस्ट बनाया हमने, नोड एक नोड, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया एंड सो ऑन, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वन करेक्टर, ये कौन सी लिंक लिस्ट हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं वन करेक्टर पर नोड, मतलब नोड में एक तो से कोई भी करेक्टर दे दीजिए, से एस हुआ और अगले, इसमें क्या होगा, इसमें अगले नोड का एड्रेस होगा। सिमिलरली से हमने यहाँ किया कि से ओ है, इसमें अगले नोड का एड्रेस होगा। सिमिलरली यहाँ कोई करेक्टर दे दीजिए टी है एंड देन सेम। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट का, ये से आर हो गया एंड सो ऑन, ये कहलाता है वन करेक्टर पर नोड। अब ऐसे ही मान लीजिए हमने कहा फोर करेक्टर पर नोड अगर हम बनाएंगे, फोर करेक्टर पर नोड इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा एक नोड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा कि चार तो करेक्टर होंगे इसमें, ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, यानी ये तो हो गया नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ऐसे यहाँ पे एक दो तीन चार, फिर ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस, फिर आपने कहा एक दो तीन चार, फिर ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो लिंक लिस्ट कहलाता है फोर करेक्टर पर नोड की। अब इसमें ये जो चार करेक्टर के लिए हम जगह दी हुई है, मान लीजिए हमने कहा यहाँ स्टोर है ए टी, ये स्पेस खाली है, हम दे दिया सी, फिर ये एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का। यहाँ पे हमने कहा साहब मान लीजिए R है, O है, N है और ये स्पेस खाली है। फिर ऐसे ही हमने कहा कि सपोज कीजिए यहाँ पे E है और ये इससे इसका एड्रेस रखेगा, हमने कहा E है, M है, ठीक है, कोई स्पेशल करेक्टर डॉट है, T है, इस तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये फोर करेक्टर पर नोड स्ट्रक्चर हो गया और ये वन करेक्टर पर नोड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए आप कि ईच मेमोरी सेल इज असाइंड वन करेक्टर और ए फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्टर। जैसे वन करेक्टर तो ये हो गया, फिक्स्ड नंबर मतलब फोर करेक्टर पर नोड ये हो गया। इसमें क्या होता है कि ईच मेमोरी सेल इज असाइंड वन करेक्टर और ए फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्टर एंड लिंक कंटेन्ड इन द सेल गिव्स द एड्रेस ऑफ द सेल कंटेनिंग द नेक्स्ट करेक्टर, ठीक है, और ग्रुप ऑफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो जैसे आपको डायग्राम में शो किया हुआ है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर से, लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर से अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो जितने भी अभी हमने आपको वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशन बताए थे उनको करने में काफ़ी इजी भी रहता है
और काफी फास्ट भी होते हैं वो ऑपरेशन। तो इसीलिए लिंक्ड स्ट्रक्चर टू स्टोर ए स्ट्रिंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड प्रिफर्ड। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।